एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीडी जंक्शन। आज हम दोबारा एक टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम नेटवर्किंग के टॉपिक पे दोबारा बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने नेटवर्किंग की वीडियो बनाई थी वो हमने रेंज एक्सटेंडर्स के ऊपर बनाई थी, लेकिन आज की जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं वो है राउटर के ऊपर। राउटर टीपीलिंक की जानिब से जो है बिल्कुल लेटेस्ट ये वाला जो मॉडल है इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाएंगे। 4G नेटवर्क LTE सपोर्ट के साथ जो है ये राउटर है। आज मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं ये बताऊंगा, और इसकी स्पीड, अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह सब आपको बताऊंगा। हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम जिस मॉडल की बात करेंगे टीपी लिंक में, उसमें सबसे जो खास बात है वो ये है कि वो सिम सपोर्ट करता है, और आप किसी भी नेटवर्क की उसमें सिम लगा सकते हैं। मतलब बहुत से इलाके हैं पाकिस्तान में ऐसे जहाँ अभी तक केबल नेट की सहूलत जो है मौजूद नहीं है, और बहुत सारे इलाके जहाँ नेटवर्क का काफ़ी शॉर्टेज रहता है, तो उन इलाकों के लिए आप ये राउटर यूज़ कर सकते हैं। ये राउटर जो है उन जगह के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप कोई सी भी इसमें 4G LTE सिम लगा सकते हैं, और वो आपके डायरेक्ट टावर से कनेक्ट होकर आपके घर को वाईफाई कर देगा, उसके पूरे सिग्नल्स आपके घर पर आएंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन चीज़ है उसके लिए। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रेंज नॉर्मल वाईफाई राउटर से काफ़ी बेहतर होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं डाउनलोडिंग स्पीड की, जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 150 MBPS की जो है डाउनलोडिंग स्पीड है। अपलोडिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो 50 MBPS की जो है उसकी अपलोडिंग स्पीड है। तो सामने सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं तो खूबसूरत सा एक राउटर बना है ब्लैक एंटीना के अंदर। कोबरा एंटीनास जो है इसके दिए हुए हैं, जिसकी रेंज नॉर्मल एंटीना से काफ़ी बेहतर होती है। मॉडल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो MR6400 जो है इसका मॉडल नंबर है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसमें अंदर जो है पैकिंग वगैरह कैसी है, और इसके अलावा इसमें जो अडॉप्टर वगैरह हैं वो कितने वॉट के हैं। सो गाइज, अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि इसकी जो इंटरनेट स्पीड है वो 300 MBPS की है। ये सपोर्ट जो करता है 300 MBPS इंटरनेट स्पीड सपोर्ट करता है, बाकी डिपेंड करता है आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, उस हिसाब से जो है इसकी स्पीड आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें नेटवर्क की, तो खाली आपको ये सिम की सपोर्ट नहीं दे रहा है, इसके अलावा इसमें वैन और लैन की पोर्ट्स भी दी गई हैं। मतलब आप इसमें नॉर्मल नेटवर्क भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत एक खास बात है। आप इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक वैन की पोर्ट और उसके अलावा 3 जो है आपको लैन पोर्ट एडिशनल दी गई हैं। तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करते हैं इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग जो है इसकी नॉर्मल राउटर की जैसी है, लेकिन जो इसमें खोलते ही सबसे खास बात देखने को मिल रही है, इसके जो एंटीनाज हैं वो डिटैचेबल हैं। आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दोनों की जो है लगाने का प्रोसेस वो भी मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल ईजी सेटअप है। तो अभी हम इसके अलावा इसका अडॉप्टर देख लेते हैं। इसके साथ जो गाइज इसका अडॉप्टर दिया है वो आपको 9 वॉट के अंदर दिया है। मतलब आप नॉर्मल टीपी लिंक का जो है अडॉप्टर लगा सकते हैं। इसमें आपको जो है आसानी इस चीज़ की होती है कि आपके पास अगर लाइट मौजूद नहीं है तो आप इस तरह का इसका राउटर का पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। 9 वॉल्ट के अंदर जो है ये आपको पावर बैंक दिया गया है। ये आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे तक का जो है बैकअप दे देता है, नॉर्मली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, ये है इसका टीपी लिंक का राउटर, काफ़ी खूबसूरत शेप के अंदर जो है ये दिया गया है। इसके अलावा इसमें वॉल माउंट का भी ऑप्शन दिया गया है, टेबल स्टैंड और वॉल माउंट दोनों तरीके से आप इसको जो है लगा सकते हैं। अगर हम डब्बे में इसके अलावा बात करते हैं तो इसके नैनो सिम कार्ड का जो है रिसीवर, जो उसका ऊपर की जैकेट है वो आपको दी गई है, ताकि आप आसानी से इसमें सिम इंसर्ट कर सकें। यूज़र मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड जो है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको एक छोटी सी पैच कॉर्ड दे दी गई है। तो गाइज, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है एंटीना वगैरह कहाँ लगेगा। इसमें जो आपको एजिस पे 2 स्लॉट्स दिख रही हैं, ये इसको एंटीना के लिए आपको दी गई हैं। एंटीना आप इसके थ्रू लगा सकते हैं, आपको देखने को मिल गया होगा कि इस तरह आपका एंटीना जो है इसमें लग जाएगा। बाकी इसको आपने बस इसके अंदर पुट करना है और इसको स्क्रू की तरह घुमाना है। बिल्कुल ईजी है, कोई इतना हार्ड सेटअप नहीं है, आप खुद भी आराम से कर सकते हैं। बाकी जो एंटीना है उसको आप उसके बाद इस तरह फोल्ड कर दें। दूसरा भी हम लगा देते हैं। तो गाइस, एंटीना जो है इसमें लग चुका है। अगर हम इसमें सिम कार्ड की बात करते हैं कि आपका सिम कार्ड कहाँ लगेगा, तो इसमें ये साइड पे जगह दी गई है सिम कार्ड की, आप यहीं डायरेक्ट सिम कार्ड जो है इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा ये वैन पोर्ट है इसका, आप डायरेक्ट इसमें इंटरनेट की वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये इसके आउटपुट्स हैं। यहाँ इसका पावर केबल है, आपको ऑन ऑफ का और रीसेट WPS का बटन भी यहाँ देखने को मिल जाता है। इसमें काफ़ी खूबसूरत जो है इस राउटर को बनाया गया है, और उसकी पैकिंग वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत की गई है। और बेस्ट चीज़ है उनके लिए जिनके पास अगर नेटवर्क का कोई इशू है, या केबल नेट जहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ तक के लिए ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है।
तो गाइज ये था टीपी लिंक की जानिब से नया राउटर। उम्मीद है आपको ये राउटर काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको ये राउटर इसकी प्राइस मालूम करनी हो या स्पेसिफिकेशन जाननी हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप हमारी शॉप नंबर जो उसको डिस्क्रिप्शन में आप को मिल जाएंगे उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी है या किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्मार्ट वॉचेस, गिम्बल्स वगैरह, व्लॉगिंग का तकरीबन सारा सामान हमारे पास से मिल जाएगा। पीसी एसेसरीज तकरीबन आपको सारी हमारे पास से मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत किस्म का हमने ओपन आइटम रखा हुआ है, आप आके देख सकते हैं। शॉप का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।